सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे, तूने चाहा नहीं मैंने चाहा है तुझे। पता है तुम नहीं आते ना बहुत लेट हो जाती। अच्छा जरा मुस्कान को देखकर चाहिए मैडम, इसीलिए आपको लेकर आया हूँ यहाँ पे। कौन है आप? मुझे आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको जानती हूँ? जी हाँ, मेरी आपसे जान पहचान काफी पुरानी है, बस फर्क यह है कि उस वक्त आप काफी छोटी हुआ। ओके बट लेट मी टेल यू मिस्टर, हर कोई कभी ना कभी छोटा जरूर होता है। वाह क्या बात कर दी आपने। तो बताइए कौन है आप? मुझ नाचीज को दोस्त बाबर कहते हैं। ओके और दुश्मन को क्या कहते हैं? दुश्मनों का मुझे आइडिया नहीं कि वो मुझे क्या कहते हैं। बाबर ध्यान भाई के दोस्त। ओह माय गॉड तुम कितने बदल गए हो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। तुम भी खासी बड़ी हो गई हो। और तुम्हें याद है ना तुम मुझे छिपकली कहकर बुलाते थे। लेकिन आप बिल्कुल नहीं कहूं। थैंक यू। और मैं आपको हैंडसम कह के बुलाती थी और अब भी यही कहूंगी। थैंक यू हैंडसम, प्लीज आइए। भाई दूध बनाना था, मैं भूल ही गई। ज्ञान क्या बात है, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हें मुस्कान की यूं देखभाल करते हुए देखकर मुझे ऐन की याद आ गई। वो भी इसी तरह मुस्कान की एक एक चीज का ख्याल रखती। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुस्कान की मम्मी जल्दी आ जाएगी। अच्छा अगर आप कहें तो आपकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दूं। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बात इस वार्ड से बाहर नहीं चली चाहिए। इट्स माय रिक्वेस्ट।
मगर शीमा वो ठीक तो है ना? वो ठीक ही नहीं, ठीक ठाक है आजी। क्या मतलब? मतलब ये कि सैदू को अच्छी तरह सबक सिखा रही है। क्या बात कर रही हो, साफ साफ बताओ ना क्या हुआ है। वो उस दिन जिस लड़के ने अर्श का पीछा किया था ना, सैदू ने उसका बदला लेने के लिए उसकी दुर्गत बना दी। अच्छा? हाँ, और फिर वो लड़का पुलिस के साथ सैदू के घर पहुंच गया और सैदू ने बड़े भरम से अर्श को आगे करके कहा कि ये बताएगी कि उस लड़के ने उसे किस तरह छेड़ा। तो फिर ये कि उस लड़के के खिलाफ गवाही देना तो दूर की बात, अर्श ने तो उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया और सैदू को पुलिस पकड़ के ले गई। पहले तो ज्यान भाई ने उसकी जमानत करवा दी थी ना, अब कौन करवाएगा, सड़ता रहेगा जेल में। जान, क्या? मेरी गलती की वजह से सैदू अरेस्ट हो गया है। तुम्हारी गलती? कौन सी गलती? एक्चुअली मैंने ही सैदू को भड़काया था कि वो उन लड़कों से बदला ले जिन्होंने अर्श के साथ बदतमीजी की। अब मैं तुम्हें क्या जरूरत थी उससे बात करने की? मैं डर गई थी कि कहीं दोबारा वो लड़के अर्श के साथ इस तरह की कोई हरकत ना करें। मेरी समझ में नहीं आता तुमने उससे बात क्यों। देखो, ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। तुम प्लीज सैदू की जमानत। नो, मैं सैदू और अर्श से दूर रहना चाहूं और बेहतर यह होगा कि तुम भी उनसे दूर। प्लीज, नो मोर कॉन्टैक्ट। अरे मगर ज्ञान, बात तो सुनो मेरी। अब मैं क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। मैं आप ही के पास आ रही थी। जी फरमाइए। ये सैदू के जमानत के कागजात। अब किसने करवा दी इसकी जमानत? कौन है इसका वकील? मैं। आप? जी, मैं एडवोकेट अरमा जरिया। जरिया, तुम्हारा घर आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई अंदर भिजवा रहा है, कोई बाहर निकलवा रहा है, कि हो क्या रहा है मेरे साथ? ये खेल कब तक खत्म होगा? ये कोई खेल नहीं है और ना मैं ऐसे किसी खेल का हिस्सा हूँ। तुम्हें बाहर इसलिए निकाला क्योंकि जो कदम तुमने उठाया उसके लिए मैंने ही तुम्हें उकसाया था, लेकिन जो काम तुमने किया है उसके बाद कोई भी बदमाश अर्श की तरफ आंख उठाने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। तो तुमने अपनी बहन के लिए मुझे इस्तेमाल किया? नहीं, मैं फिर कहूंगी, वो जब तक तुम्हारे घर में है ना सैदू, तुम्हारी इज्जत है और तुम्हें अपने घर की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए। मैं तो बस तुम्हें एहसास दिला रही थी। एहसास दिलाना है ना तो अपनी बहन को दिलाए, उसको समझाए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, हो सके तो अर्श का ख्याल रख। खुदा। घर पे छोड़ने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जी मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया इतला देने का। अल्लाह हाफिज। मुस्कान तो ठीक है, करें सुला दिया मैंने उसे। नहीं, जो लोग सो जाते हैं वो फिर मुश्किल से ही जागते हैं। हाँ ये तो है।
एडवोकेट अरमज रियाब, जिन्होंने LLB करने के बाद एक भी केस नहीं लिया। और जब केस लिया तो एक ऐसे आदि मुजरम का, जिस मुजरम की इसलाह कभी हो नहीं सकती। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो, लेकिन मैं क्या करती, जब तुमने मना कर दिया था तो फिर मैंने खुद ही जमानत करवा ली, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुकी थी कि उसने ये सब कुछ मेरे कहने पे ही किया था। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी जिंदगी है, फैसले भी तुम्हें करने, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। मामला काफी गड़बड़ है, तुम दोनों की बातचीत बंद? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। वाह भाई, मतलब नाराजगी में भी आप दोनों की टाइमिंग कमाल की है। शराफत से बताओ बात क्या है? तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हो? मैडम एक वाहिद काम है जो मैं नहीं कर सकता, और उस वक्त तो बिल्कुल नहीं कर सकता जब मेरे दो बेस्ट फ्रेंड आपस में नाराज हो, और मुझे ये भी पता हो कि ये दोनों आपस में मुझसे ज्यादा एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम दोनों को शायद ये नहीं पता कि तुम दोनों एक दूसरे के कितने करीबी दोस्त हो। अब तो हाल ये है कि तुम दोनों की शक्लें भी आपस में मिलने लगी हैं। झूठ नहीं कह रहा, सच बोल रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यही देख लो, एक मुस्कुराता है तो दूसरा शुरू हो गया। By the way, ऐसा तो नहीं कि आप दोनों का वाईफाई का पासवर्ड भी सेम है? Shut up. अच्छा चाय पिलाओ यार, कब से आया हूँ यार, ये चाय बहुत पीता है। खुद बना लो जाके। कभी खुद भी ले आया करो, मुंह उठा के आ जाते हो, बंदा कोई खाने की चीज ले आता है। चलें जी, आज हम आपको अपने हाथ की चाय बना के पिलाते हैं। अरे हर्ष बेटा तुम आ गई, मैंने तुम्हारे लिए खाना निकाल के रखा है, बैठो मैं प्लेट लेकर आती हूँ। मैं निकाल लूंगी, कोई बात नहीं। आप नहीं खा रहे? नहीं मुझे भूख नहीं है। सुने, मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं, मेरी लड़ाई सैदू से है, आपसे नहीं। वो क्या है ना, मैं अनपढ़ हूं, जाहिल हूं, और ऊपर से गरीब भी हूं। हम जैसे लोग जब ख्वाब देखते हैं ना तो अपने औकात भूल जाते हैं। मैं भी भूल गई थी और इस बात पे यकीन कर बैठी थी कि तुम मेरी बहू बन गई हो। मेरे सैदू की दुल्हन, और जब ख्वाब इतना हसीन हो तो बेदार होने पर इंसान सोचता है कि ये नींद इतनी तवील हो जाती कि मेरा ख्वाब हकीकत बन जाता। मेरी और सैदू की लड़ाई में ये बेचारी बिला वजह पिस रही है। लड़ाई मेरी और सैदू की, और ये बेचारी बिला वजह तकलीफ उठा रही।
अच्छा तो आप यहाँ पे हैं। तुम्हारी लहजे से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे ही ढूंढ रही? वो एक्चुअली बाहर तुम्हारी गाड़ी देखी और तुम नजर नहीं आए तो तो जनाब ने हमारी गाड़ी भी नोटिस कर ली। वो क्या है ना कि मुझे सिगरेट की तलब हो रही तो सोचा गार्डन में जाके पी लो। अब वो तुम्हारे भाई साहब तो सिगरेट पीते नहीं और उनको धुएं से भी तो एलर्जी है ना, तो फिर मैंने सोचा अकेले ही जाके पी लूं। वैसे उन्हें हर मजेदार चीज से एलर्जी है। अच्छा